हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर ऑफ एक्सरसाइज क्लास कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स दिस इज अ गिवन फिगर एंड इस फिगर में डिफरेंट डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स हैं तो क्वेश्चन के एवरी पार्ट में उन्होंने दो दो लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं एंड हमें उन दोनों लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करके बताना है कि जो पहला लाइन सेगमेंट है वो दूसरे लाइन सेगमेंट से छोटा है बड़ा है या फिर दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल है ओके अब फर्स्ट पार्ट में गिवन लाइन सेगमेंट्स है ए बी एंड ए बी सो दैट मीन्स इस पार्ट में सेम ही लाइन सेगमेंट को कंपेयर किया गया है ठीक है सो दिस इज ए बी दिस इज ऑल्सो ए बी सो सेम ही लाइन सेगमेंट है तो लेंथ भी सेम ही होगी सो देर फोर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिख देंगे इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी सेकेंड पार्ट में गिवन लाइन सेगमेंट्स है सी डी एंड ए सी अब सी डी कहाँ पर है ये वाला लाइन सेगमेंट जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ ए सी लाइन सेगमेंट कहाँ पर है यहाँ पर ये वाला लाइन सेगमेंट ए से लेके सी तक ये जो मैंने अभी हाइलाइट किया है सो so, अब इन दोनों सेगमेंट्स को देखने से ही पता चल जाता है दैट सी डी इज लेस देन ए सी ओके सी डी लाइन सेगमेंट ए सी लाइन सेगमेंट से छोटा है तो हम यहां पर लेस देन का सिंबल डाल देंगे दैट सी डी इज लेस देन ए सी ये वाला सिंबल होता है लेस देन का थर्ड पार्ट में गिवन लाइन सेगमेंट है ए सी एंड ए डी अब ए सी कहां पर है ये वाला लाइन सेगमेंट जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूं एडी लाइन सेगमेंट कहां पर है ये वाला लाइन सेगमेंट ओके अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को भी देखने से ही पता चलता है इज़ इज़ ग्रेटर देन सो यहां पर लगा दो ग्रेटर देन का सिंबल ए सी इज ग्रेटर ए डी फोर्थ पार्ट में लाइन सेगमेंट्स गिवन है बी सी एंड ए सी अब बी सी कहां पर है ये वाला लाइन सेगमेंट ओके एसी लाइन सेगमेंट कौन सा है ये वाला लाइन सेगमेंट अब अगेन यहां पर भी देखने से ही पता चलता है दैट bc इज लेस देन ac bc लाइन सेगमेंट छोटा है कंपेयर टू ac लाइन सेगमेंट तो यहां पर हम फिल कर देंगे bc इज लेस देन ac लेस देन का सिंबल डाल दिया बीच में फिफ्थ पार्ट में हमने कंपेयर करना है बी डी एंड सी डी को अब बी डी लाइन सेगमेंट कहां पर है ये वाला लाइन सेगमेंट अब इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को भी देखने से ही पता चल रहा है दैट बी डी इज ग्रेटर देन सी डी तो यहां पर हम लिख देंगे बी डी इज ग्रेटर दैन सी डी तो ग्रेटर दैन का हमने सिंबल डाल दिया so, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो सो so, इस क्वेश्चन में आपको रूलर या डिवाइडर यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी लाइन सेगमेंट उन्होंने यहाँ पर दिए हैं क्वेश्चन में कंपेयर करने के लिए वो सारे लाइन सेगमेंट्स को देखते ही पता चल जाता है कि उनमें से कौन सा लाइन सेगमेंट छोटा है एंड कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है सो तो अगर लेट से आपने किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करना है यूजिंग रूलर और डिवाइडर तो आप कैसे कर सकते हो लेट से ये आपके पास एक लाइन सेगमेंट है तो इसके दोनों एंड पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं ए एंड बी अब ये हमारे पास रूलर है सो तो इस रूलर के साथ जब हमने इस लाइन सेगमेंट को मेजर करना है तो हमने इस रूलर को बिल्कुल ऐसे इस लाइन सेगमेंट के साथ अलाइन कर लेना है नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है कि रूलर का ये जो जीरो है इसको आप पॉइंट ए के साथ ऐसे मिला लो ठीक है सो दैट जीरो आपका वहां पर आए जहां से आपका लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है फिर आप देखो यहां सेगमेंट फिनिश हो रहा है तो जहां पर आपका लाइन सेगमेंट खत्म हो गया वहां पर जो भी रीडिंग आपकी आ रही है रूलर पे उतनी आपकी लाइन सेगमेंट की लेंथ है ठीक है सो इस तरह से रूलर का यूज करके आप किसी भी लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट कर सकते हो रूलर so, पे ये जो नंबर्स मार्क्ड है ना जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ये रिप्रेजेंट करते हैं सेंटीमीटर्स को सो so, जीरो से लेके वन तक आपका एक सेंटीमीटर है सो so, जीरो से वन तक होता है सेंटीमीटर और यू कैन so, से टेन मिलीमीटर क्योंकि वन सेंटीमीटर में टेन मिलीमीटर्स होते हैं सो जीरो से वन के बीच में टोटल टेन पार्ट्स हैं विच रेफर्स टू टेन मिलीमीटर सो स्क्रीन पे ये जो रूलर देख रहे हो इसकी दोनों साइड पर ही सेंटीमीटर्स मार्क्ड है बट मोस्टली जो रूलर्स आप यूज करोगे या फिर जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी एक साइड पे सेंटीमीटर्स होते हैं एंड दूसरी साइड पे इंचेस होते हैं ठीक है लाइन सेगमेंट को आप डिवाइडर के साथ कैसे मेजर करोगे ये एक लाइन सेगमेंट है इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स को हम मार्क कर देते हैं विद ए एंड बी अब आप डिवाइडर को ऐसे लेके आओगे एंड उसके एक एंड पॉइंट को आप मिला दोगे पॉइंट ए के साथ ऐसे ठीक है फिर आप डिवाइडर को या तो और ओपन करोगे या कम कर सकते हो सो दैट डिवाइडर का ये जो सेकंड एंड पॉइंट है ना ये वाला वो आपका पॉइंट बी के साथ ऐसे मिल जाए सो so इस तरह से डिवाइडर को ओपन करके आपने ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ यहाँ पर ऐसे फाइंड आउट कर लेनी है ठीक है तो इस तरह से आप डिवाइडर से लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर कर सकते हो तो यहां पर अभी डिवाइडर आपका उतना ओपन है जितनी ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ है अब आप और क्या कर सकते हो कि इस डिवाइडर को आप रूलर के ऊपर प्लेस कर दो एंड वहां से आप लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर कर सकते हो तो यहां पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने डिवाइडर को रूलर के ऊपर प्लेस करना है तो जितना डिवाइडर आपने ओपन किया था ना लाइन सेगमेंट मेजर करने के लिए उसको एज इट इज ही रूलर के ऊपर प्लेस करना है सो so, डिवाइडर को या ज्यादा छोटा बड़ा नहीं करना सो so, जितना आपने डिवाइडर को ओपन किया था वाइल मेजरिंग दिस लाइन सेगमेंट उसको एज इट इज रूलर के ऊपर रख दो सो so, डिवाइडर को ऐसे लेके आओ डिवाइडर के फर्स्ट एंड पॉइंट को रूलर के जीरो के साथ ऐसे मिला दो ओके okay? So, अब डिवाइडर का ये जो सेकंड एंड पॉइंट है ये रूलर की जिस भी मार्किंग पे मैच कर रहा है उतनी आपकी आ गई लाइन सेगमेंट की लेंथ सो so, इसी टेक्निक का यूज करके आप क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन सॉल्व कर सकते हो सो so, वो क्वेश्चन बेसिकली प्रैक्टिस के लिए ही है कि आप किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हो यूजिंग अ रूलर एंड अ डिवाइडर तो रूलर के साथ किसी लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर करना है वो भी अब आपने सीख लिया है एंड डिवाइडर के साथ कैसे मेजर करना है वो भी आपने सीख लिया है सो so, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर वन ऑफ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन भी खुद प्रैक्टिस कर सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय